स्टूडेंट्स वेलकम टू शोड ऑफ सेल्स क्लासेस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपका जो जेई मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था 8 जनवरी को 2020 उसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो इफ आई कांट डू इट इन ए सिंगल वीडियो आई विल गिव अनदर वीडियो ऑन दिस। सो आपको पहले देखते हैं कि कितना तक कर पाते हैं, चलिए देखते हैं। सो आपका पहला क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ एसओ बॉन्ड इन H2OH-2 एंड द नंबर ऑफ एसएस बॉन्ड इन रोम्बिक सल्फर रेस्पेक्टिवली। तो आपको डिटरमिन करना है कि आपका एसओ बॉन्ड कितना है आपका जो H2OH में। अभी उससे पहले अभी H2OH का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। H2OH का स्ट्रक्चर है S O O S O- double bond O- O-. So हम लोग यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड को कॉन्सिडर करेंगे। सो सिंगल बॉन्ड को कॉन्सिडर करते हैं, ये आएगा 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। सो टोटल विल बी योर टोटल नंबर विल बी 8। सो ऑफ कोर्स योर आंसर विल बी ए। एंड नाउ अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि एक मतलब क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं कि इसका जो रोम्बिक सल्फर है रोम्बिक सल्फर में कितना बॉन्ड होगा। रोम्बिक सल्फर देखो, रोम्बिक सल्फर है आपका सल्फर। सो आपको बताना है कि रोम्बिक सल्फर में आपका कितना नंबर ऑफ एसएस बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5 6 मिनट टोटल नंबर ऑफ 8 बॉन्ड्स विल बी देयर एसएस बॉन्ड्स। सो योर आंसर विल बी अगेन 8। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट द व्हाट आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोर्सेस आर द प्रेजेंट इन योर इथाइल एसिटेट। सो आपका इथाइल एसिटेट क्या है? इथाइल एसिटेट है आपका CH3CO OC2H5। ये है आपका इथाइल एसिटेट। इसमें किस टाइप का फोर्सेस प्रेजेंट होगा? सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन है वो था हाइड्रोजन बॉन्ड। सो हाइड्रोजन बॉन्ड, अभी आप देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का कोई पॉसिबिलिटी है क्या? देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का कोई ग्रुप ही नहीं है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड देगा। सो हाइड्रोजन बॉन्ड कैन नॉट बी प्रेजेंट इन योर इथाइल एसिटेट। सो आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस आपके पास नहीं होगा। सो ऑप्शन ए में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, सो ऑप्शन ए इज नॉट बी योर आंसर। ऑप्शन बी में भी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, सो बी विल नॉट बी योर आंसर। और डी में भी है, सो डी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड लॉन्ग रन फोर्सेस। देखो लॉन्ग रन फोर्सेस इज जस्ट अ फोर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स एंड देयर न्यूक्लियस एंड अदर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। दिस इज लॉन्ग रन फोर्सेस प्रेजेंट एवरीवेयर बट फॉर दिस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाँ इधर आपको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा क्योंकि आपके पास जो ये डेल्टा सी एच थ्री ग्रुप है ये है आपका डेल्टा पॉजिटिव और ये है आपका डेल्टा नेगेटिव। सो देयर इज अ डाइपोल क्रिएटेड इन द मॉलिक्यूल इटसेल्फ। सो यू कैन सी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन द मॉलिक्यूल। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यार नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोलना पड़ेगा कि आपका ये जो मतलब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन बामा सीरीज के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। इक्वेशन आपके पास है ये और आपका है बामा सीरीज। सो बामा सीरीज के लिए N1=2 ये हम लोगों को पता है। सो योर वन ऑप्शन इज करेक्ट, सो बी कैन नॉट बी योर आंसर 3 and 4। सो अभी आपको देखना पड़ेगा कि बाकी सारा चीज क्या है, ठीक है। तो सेकेंड है आपका आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ईच एटम कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द अबव फॉर्मूला। नो इट्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द अबव फॉर्मूला बिकॉज जो आपका जो रिलेशन है कुछ अलग ही है। सो आपको पता है वो।
So ionization energy cannot be calculated. So आपका two option is not right. So आपका A भी आपका option नहीं हो सकता, D भी आपका option नहीं हो सकता. मतलब number four is not your correct. क्यों? Number four actually correct नहीं है क्योंकि ये converge नहीं कर जाता, ये converge हो जाता. ऐसा ये statement भी wrong है. और lambda maximum is for n2 equal to 3. तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है. तो देखो ये है आपका इन वन, ये आपका इन टू. सो इन ऐसा होगा आपका वन टू थ्री फोर. अभी आपका बामर सीरीज के लिए टू से आपका स्पेक्ट्रम जाए. सो टू से जाएगा थ्री तक, टू से जाएगा फोर तक, या फिर अगर ये फाइव हुआ तो टू से जाएगा फाइव तक. तो अभी देखो टू से जितना ऊपर आप जाओगे उतना ज्यादा आपको एनर्जी लगेगा. कॉमन सेंस कि ये बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा. सो एनर्जी जितना ज्यादा लगेगा उतना ज्यादा आपका उतना लोअर आपका लैम्डा होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा. सो ई इंक्रीजेस लैम्डा डिक्रीजेस. सो लैम्डा डिक्रीज होगा तो अगर ई जितना इंक्रीज होगा लैम्डा उतना डिक्रीज होगा, और ई का वैल्यू जितना कम होगा लैम्डा उतना ज्यादा होगा. तो सबसे कम ई वैल्यू कहाँ पे आएगा? टू टू थ्री का जो ट्रांजिशन है उसमें. तो लैम्डा का वैल्यू सबसे मैक्सिमम कहाँ आएगा? टू टू थ्री में. सो आपका ये भी हो जाएगा करेक्ट आंसर. सो योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So, your next question will be very much straightforward question. आपको सिर्फ एक ग्रुप बोला गया है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन. इन चारों में से आपका फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? So, ये फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी ये देखने के लिए आपको एक चीज से देखना पड़ेगा कि इसका आयनाइजेशन एनर्जी कैसे होता है. देखो सोडियम का है थ्री एस वन, मैग्नेशियम का है थ्री एस टू, एल्यूमिनियम का है थ्री एस टू थ्री पी वन, और सिलिकॉन का है थ्री एस टू थ्री पी. नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं, अगर हम लोग इधर राइट पे जाए कोई भी ग्रुप का तो क्या होता है, आपका आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाता है. सो नॉर्मली आपको तो ये होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी ही तो आपको होना चाहिए, लेकिन हम लोग चेक करेंगे कि इसमें कोई एनिमलीज है या फिर नहीं. सो देखो इसमें एक एनिमली है जो है आपका ये वाला और ये वाला. सो देखो अगर आप ग्रुप के लास्ट में जाओगे तो क्या होगा, आपका इंक्रीज हो. सो आपका एनिमली इंक्रीज ऐसा ही हो रहा है. सो जो ग्रुप भी अभी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे, तो वो आपको एग्जैक्ट जो ऑर्डर वो बता रहा है. सो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको निकालना है कि करेक्ट स्टोइकियोमेट्री एंड इट्स केएसपी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग ग्राफ्स. सो देखो अभी आपको इसका मतलब इसमें से कौन सा स्टोइकियोमेट्री कौन सा वैल्यू देगा ये आपको डिटरमिन करना है. सो देखो ये अगर आपके पास है एक्स वाई, एक्स वाई अगर आपका स्टोइकियोमेट्री है, सो एक्स वाई में आपका वैल्यू क्या आएगा? एक्स वाई का केएसपी वैल्यू कितना आएगा? एक्स का कॉन्सेंट्रेशन इंटू वाई का कॉन्सेंट्रेशन. सो टू इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री, मतलब आपका टू इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स, जो कि है आपका फर्स्ट वन. सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट वन इज योर आंसर, बट आपको चेक करना पड़ेगा कि बाकी सारा जो ऑप्शन सबके पास है
वो आपका करेक्ट है या नहीं। सो आपके पास सेकेंड ऑप्शन है एक्स वाई टू। सो ये है आपका एक्स वाई। सो एक्स वाई टू मतलब आपका आएगा, अगर बी ऑप्शन हुआ तो आपका आएगा टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री, मतलब टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस नाइन, जो कि इधर आपका ऑप्शन में नहीं है। सो बी कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास सी। तो सी को अगर देखोगे, सी में क्या आएगा, टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री होल स्क्वायर इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री, दैट इज फोर इंटू टेन टू दी पावर माइनस नाइन। लेकिन इसमें आ रहा है नाइन इंटू टेन टू दी पावर माइनस नाइन। सो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास एक्स वाई टू के एक्स पी वन इंटू टेन टू दी पावर माइनस नाइन, नहीं ये तो टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस नाइन आ रहा है। सो आपका ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, अदर ऑप्शन आपका गलत है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें आपको बोलना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू हडिसन्स रूल्स आपका लोकेशन वैल्यू क्या होगा। सो पहले सॉल को देखते हैं। ये सॉल है आपका, क्या सॉल, ये है आपका पॉजिटिव सॉल। और हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव सॉल के लिए क्या होता है कि हायर द चार्ज ऑन इट्स हायर द चार्ज ऑफ लाइक लिख के समझाती हूँ, हायर द चार्ज ऑन एन एम लेसर लोकेशन वैल्यू। सो इसका मतलब हायर, जितना चार्ज हायर होता है ऑन योर एनायन उतना कम होता है आपका जो लोकेशन का वैल्यू। सो अभी इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, सी का ये होगा। देखो एक चीज, इसमें आपके पास है माइनस वन माइनस वन माइनस वन, एनायन का चार्ज माइनस वन है सभी के पास, इसमें है माइनस टू और इसमें है माइनस थ्री। सो मैंने क्या बोला था कि एनायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा फ्लक्चुएशन वैल्यू उतना कम आएगा, और क्या है कि फ्लक्चुएशन वैल्यू अगर चार्ज सेम हुआ तो वैल्यू सेम आएगा। सो इन तीनों का पास नेगेटिव चार्ज माइनस वन माइनस वन माइनस वन है, सो इसका वैल्यू तो सेम ही आएगा, सबसे ज्यादा आएगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला तो माइनस थ्री का वैल्यू सबसे कम आएगा और माइनस टू का वैल्यू इन बिटवीन आएगा। सो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन उसमें से आपका मेरिडोनियल आइसोमर क्या होगा। मेरिडोनियल आइसोमर आपका होने के लिए आपको इस टाइप का ग्रुप की जरूरत है, एम ए थ्री बी थ्री। सो इसमें से इस टाइप का ग्रुप कौन है, सिर्फ डी। सो डी विल बी योर आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें से आपको बोलना पड़ेगा कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कहां पे ज्यादा है और कहां पे कम है। सो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका अभी ये देखने से, देखो ये पीपी कर्व है, पीपी कर्व टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। सो ये देख के आप बोल सकते हैं कि जब ये इंक्रीज होता है, सो हम लोग बोल सकते हैं ये है x के लिए, ये y और z के लिए। सो ये कार्ड से हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका ऑर्डर ये है। सो ये अगर इसका ऑर्डर है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट, तो मतलब आपका b विल ओनली बी योर राइट आंसर। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो
आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक रिएक्शन जो आपका इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट उसका रेट 10^6 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है. सो क्या है रेट KC/K. ये कितना टाइम्स इंक्रीज होगा, ये हो इंक्रीज हो रहा है 10^6. तो आपको बोलना पड़ेगा कि चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी. सो चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी अगर आप डिटरमिन करना चाहते हो तो आपको कैसे करना पड़ेगा. देखो ये है आपका, इसका मतलब ये है e^ac - e^e नॉर्मल बाय आर टी. हो गया ना. सो ये अगर आपका हो रहा है तो 10^ ये आंसर अगर आपका हो रहा है तो आप क्या करोगे. अभी अगर आप इसका सिर्फ लॉग ले लिए, लॉग मतलब ये है आपका लॉग 10^6 लॉग ऑफ 2.303 लॉग ऑफ 2.03 × EA - EAC प्लस माइनस लॉग ऑफ 8. ये हो गया नॉर्मल लॉग लेने से. सो ये क्या आ जाएगा 6 और ये वैल्यू आएगा 2.303 EA - EC. सो 2.303 तो इनमें भी एक आएगा. सो ये वैल्यू आपका आ जाएगा, इसमें आपका 6 आएगा और इसको माइनस नेगेटिव जो चेंज वेंज करके आपका वैल्यू आएगा EA - EC = -6 × 6 2.303. सो ये हो जाएगा आपका वैल्यू. ये वैल्यू आपको मिलेगा सर यहाँ. सो योर आंसर विल बी टी. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ये जिप्सम का क्वेश्चन, जिप्सम ऑन हीटिंग एट 393 K. बट बेसिकली दिस क्वेश्चन हैव सम डाउट्स इन देयर ओन, बिकॉज ये क्वेश्चन में आपको जो जिप्सम को अगर आप हीट करोगे 393 K तो आपको यूजुअली मिलता है रस्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला है कैल्सियम सल्फेट ½H2 और उसको हम लोग डेड बर्न सल्फर भी बोलते हैं. सो बोथ ए एंड सी कैन बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन हैव सम कंफ्यूजन एंड सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन में आपको बताना पड़ेगा कि ये चार ऑप्शन में किसका लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा, लोएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी. सो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी को देखने के लिए पहले इन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं. एमिन का कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2, वही कोबाल्ट का है 3d7 4s2, आयरन का है 3d8 4s2, निकेल का है 3d9 4s2. Okay.
देखोगे तो आपका कैसा आए, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब Mn2 plus will be D5 system, CO2 plus will be D7 system, Fe2 plus will be D6 system, whereas Ni2 plus will be D8 system. अभी सबको कंसीडर करते देखो, पहले है आपका मैंगनीज, उसके बाद है कोबाल्ट, आयरन और निकल. सो ये है आपका टू प्लस मतलब सेकेंड. अभी यहां से आपको और एक इलेक्ट्रॉन को ले लेना है. सो अगर यहां से अगर आप फिर से एक इलेक्ट्रॉन को लोगे तो अभी देखना पड़ेगा इसे कौन आपका स्टेबल स्ट्रक्चर देगा. सो स्टेबल स्ट्रक्चर इधर तो ऑलरेडी D5 है, हाफ फिल बहुत ही स्टेबल कंफर्मेशन लीज तो नहीं हो सकता. अभी D7, D6 और D8. D7 और D6 में तो मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन है और कोई चेंज नहीं होगा, मतलब D8 D7 में ट्रांसफर हो जाएगा, D7 D6 में जाएगा. लेकिन जो आपका D6 है इसमें अगर आपके पास वन इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो आपको मिलेगा D5. That is half filled. So half filled configuration is always stable. So आपका सबसे ज्यादा सबसे कम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगा फॉर आयरन. So thank you so much for watching this video.